नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में काफ़ी लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि डॉक्टर साहब हमारी नाक की स्मेल चली गई है मुँह का टेस्ट चला गया है क्या हमें कोरोना वायरस हो गया है तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये चीज़ जो सामने आई है ये जब से कोरोना वायरस आया तभी से लोगों को ये पता लगा कि ये लक्षण भी होता है जबकि ये लक्षण बहुत ज़्यादा पुराना है काफ़ी लंबे समय से लक्षण हमारी पैथी में है हमारे सिस्टम में है कि नाक के पेशेंट की स्मेल चली जाती है कंप्लीट चली जाती है और थोड़ी बहुत पार्शली भी आती रहती है तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिलती हैं एज फैक्टर की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली कोई भी एज फैक्टर नहीं है क्योंकि कमेंट्स में अपनी एज भी लिखी बच्चों ने कि डॉक्टर साहब मेरी एज केवल सत्रह साल है मेरी एज केवल तेरह साल है और मुझे स्मेल चली गई है तो क्या हमें कोरोना वायरस हो गया तो सिंपली दोस्तों यहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अगर आपके ये अंदर ये सिम्टम्स और मिल रहे हैं इस सिम्टम के साथ साथ इस लक्षण के साथ साथ अगर आपके अंदर और सिम्टम्स मिलते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड तो ही आपको डरने की जरूरत है तो ही आपको कोविड नाइन्टीन का टेस्ट करवाना होगा तो जनरली देखते हैं आज के समय में ये बीमारी बहुत ज़्यादा चल रही है कि हमें नाक की स्मेल नहीं आ रही है हमारा मुँह का टेस्ट चला गया है या फिर सारी चीज़ों का टेस्ट नहीं आ रहा है तो हम क्या करें तो देखिए दोस्तों अगर आपको फीवर वाली कंडीशन है यहाँ पर मैं कुछ सिम्टम्स बताऊंगा अगर आपके अंदर वो कम्पलीटली मिल रहे हैं तो ही आपको डरने की जरूरत है अगर आपके अंदर फ़ीवर वाला सिम्टम है आपको लगभग तीन चार दिन हो गए हैं और आपका फ़ीवर बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है बुखार के साथ साथ आपको खांसी इस तरीके से हो रही है कि आपको बहुत ज़्यादा बेचैनी रह रही है आपको सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसके साथ आपके आसपास भी कोरोना वायरस का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और आपने मास्क वगैरह यूज़ नहीं किया सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ नहीं किया या फिर आपकी फैमिली में कोई पर्सन इन्फेक्टेड है या फिर उसको केवल ये वायरल फ़ीवर भी हो सकता है तो अगर आपके अंदर फीवर वाले सिम्टम्स हैं जो कि ठीक नहीं हो रहे मेडिसिन से आपके अंदर कफ वाले सिम्टम है कि आपको खांसी हो रही है वो ठीक होने में नहीं आ रही है और आपकी जो है स्मेल भी चली गई है और आपको जो है सांस लेने में परेशानी है और आपका टेस्ट भी नहीं आ रहा है और प्लस साथ में आपके आसपास कोविड 19 का इन्फेक्शन फैला हुआ है ऐसी कंडीशन में ही आपको डरने की जरूरत है अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन है तो कोई भी आप होम ट्रीटमेंट मत लीजिए इस वाली कंडीशन के लिए जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है अगर आप ले चुके हैं उससे आराम नहीं हो रहा है आपकी कंडीशन सेम बनी हुई है उससे आराम नहीं हो पा रहा है तब आपको अपने सरकारी अस्पताल में जाके आपके पास जो भी आपके शहर में गाँव में सी है सरकारी अस्पताल है वहाँ पर जाइए आप अपना टेस्ट करवाइए और देखिए क्या वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है अगर वो नेगेटिव है तो बहुत ही अच्छी बात है आप कंप्लीटली सेफ़ हैं इसका आप ट्रीटमेंट लीजिए इसके लिए पहले आप होम रेमेडीज करिए जो मैंने अपने वीडियोज़ में बताई हुई हैं छः सात में इस तरह के वीडियोस बनाए हुए जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि आप अपनी स्मेल कैसे वापस लाएं अपना टेस्ट कैसे वापस लाएं और बाद में कुछ मैंने होम्योपैथिक मेडिसन्स भी बताई हुई हैं कि आप उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो कोरोना वायरस का लिंक इसके साथ है लेकिन वो सिम्टम्स है साथ में और भी सिम्टम्स होने चाहिए क्योंकि सिंगल सिम्टम भी होता है अगर नॉर्मल वायरल फीवर आ जाए कोल्ड का फ्लू वाली कंडीशन हो जाए कि आपको बहुत ज़्यादा नजला रहा हो छीके बहुत ज़्यादा आ रही हो उसके बाद आपकी कंडीशन हो सकती है ठीक है तो अगर ये सिम्टम्स आपके अंदर मिल रहे हैं जो जो मैंने इसमें बताए हैं तो ही आपको डरने की जरूरत है तभी जाके आप अपनी कोविड नाइन्टीन की टेस्ट जरूर करवाएं और उसी के हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट लेना चाहिए तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आज के वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच